हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबको हमारी यूट्यूब चैनल रंजन से। एक पर आज हम बात करेंगे एक एसी का क्रेन है जो कि 10 टन का, उसका मॉडल जो है वो 6552 उसका मॉडल है। तो इस क्रेन के बारे में पूरा जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, इसका कैपेसिटी के बारे में, इसका लोड चार्ट के बारे में, इसका स्विंग मोटर, ट्रॉली मोटर और होस्टिंग मोटर के बारे में सारे जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जिस क्रेन का मैं बात करने वाला हूँ वो है एसी का क्रेन है और जिसका मॉडल है 6552 इसका मॉडल है। और ये जो क्रेन है वो 10 टन कैपेसिटी का है। तो आप जान चुके होंगे कि इसका जो मॉडल है वो 6552 इसका मॉडल है और ये 10 टन का क्रेन है। और ये जो क्रेन है वो हैमर हेड क्रेन है, ये हेडलेस क्रेन नहीं है, ये हैमर हेड क्रेन है। बात करते हैं इसका जिब लेंथ के बारे में। इसका जो जिब लेंथ है, जो मेन जिप है वो है 65 मीटर इसका मेन जिप का लेंथ है। मेन जिप बोलते सामने का जो बूम है, जो जिप है उसको मेन जिप बोलते हैं। और इसका जो मेन जिप है वो 65 मीटर इसका मेन जिप है। बात करते हैं इसका काउंटर जिप के बारे में। इसका जो काउंटर जिप है वो 15 मीटर 700 इसका काउंटर जिप का लेंथ है। उसके बाद बात करते हैं होस्टिंग मोटर, ट्रॉली मोटर, स्विंग मोटर के बारे में। इसका जो होस्टिंग मोटर है वो है 10.5 किलोवाट का इसका होस्टिंग मोटर है। और इसका जो होस्टिंग का जो रोप है वो है 12 mm का इसका होस्टिंग का रोप है। उसके बाद बात करते हैं इसका ट्रॉली मोटर के बारे में। ट्रॉली मोटर जो है वो 5.5 किलोवाट का ट्रॉली मोटर है। और इसका स्विंग मोटर जो है वो 5.5 किलोवाट का दो स्विंग मोटर लगा होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसका टोटल पावर कंज्यूम क्या है। इसका जो टोटल जो पावर कंज्यूम है वो एक क्रेन को चलाने के लिए जो टोटल जो पावर चाहिए, वो टोटल पावर का जो मतलब कैलकुलेशन है, वो टोटल जो कैलकुलेशन आएगा 61.5 किलोवाट का टोटल इसका पावर कंज्यूम का कैलकुलेशन है। इसका जो मास है, एक एक मास का जो हाइट है वो 3 मीटर एक एक मास का हाइट है। और इसका चौड़ाई है वो 1.83 मीटर। अभी बात करते हैं इसका फ्री स्टैंडिंग हाइट कितना। इसका जो फ्री स्टैंडिंग हाइट है वो 52 मीटर फ्री स्टैंडिंग हाइट, यानी बेडआउट सपोर्ट का, बेडआउट कोई भी सपोर्ट का जो है एक क्रेन 52 मीटर तक हाइट में काम कर सकता है बेडआउट कोई सपोर्ट का। और इसका टोटल जो हाइट है, जो कि टोटल जो हाइट में जाके काम कर सकता है इस क्रेन में, वो है 200 मीटर। 200 मीटर तक जो है हाइट में एक क्रेन काम कर सकता है, इसको बोलते हैं टोटल हाइट। तो टोटल हाइट जो है वो 200 मीटर है। बात करते हैं इसका लोड चार्ट के बारे में। तो इसका जो लोड चार्ट है उसका शुरू होती है 15 मीटर से। तो केबिन के पास से लेके जो 15 मीटर की दूरी है उसमें आपका जो कैपेसिटी आएगा वो है 10 टन का कैपेसिटी आएगा। उसके बाद आएगा 15 से लेके जो 30 मीटर के बीच का जो रेडियस है उसमें आपका आएगा 4.92 टन आएगा। उसके बाद बात करते हैं 35 मीटर पे आपका आएगा 3.68 टन आएगा। उसके बाद आपका आएगा 40 मीटर पे आपका आएगा 3.07 टन। उसके बाद आपका आएगा 45 मीटर पे आपका आएगा 2.60 टन। उसके बाद आपका आएगा 50 मीटर पे आपका आएगा 2.22 टन। उसके बाद आपका आएगा 55 मीटर पे आपका आएगा 1.92 टन। उसके बाद आपका आएगा 60 मीटर पे आपका आएगा 1.66 टन। उसके बाद लास्ट एंडिंग जो है जो कि 65 मीटर 1.45 टन। तो आप जान चुके होंगे कि टोटल जो इसका जो जीप का जो लोड कैलकुलेशन है, जो लोड चार्ट है, वो कहाँ पे कितना आने वाला है मैं आपको बोल चुका हूँ। और इसका और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए लेवर फंक्शन के बारे में, इसका और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो।